हेलो फ्रेंड्स, शाहिन किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे गेहूं के कबाब। इसके लिए मैंने आधा किलो तक मटन का कीमा लिया है, उसे अच्छे से वॉश करके सारा पानी निकाल कर रखा है। चार बड़े प्याज लिए हैं, उसको भी ग्रेट कर दिया है और उसका सारा पानी निकाल कर यहाँ रखा है। चार से पांच छोटे ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और उसके पीसेस करके रखे हैं। और वन टेबल स्पून देसी घी लिया है। नमक आप स्वाद अनुसार लीजिए। एक बड़ा प्याज को मैंने ऑयल में फ्राई किया और उसे ग्रेट करके रखा है। चार से पांच हरी मिर्चों को भी पीस कर रखा है। एक बड़ा चम्मच अदरक का पेस्ट और एक बड़ा चम्मच गार्लिक का पेस्ट। और यहाँ पर मैंने लिया है कोरिएंडर सीड्स, जो मतलब अखा धनिया होता है, उसे पीस कर रखा है। एक चम्मच जीरा पाउडर, दो चम्मच आप लाल मिर्ची पाउडर लीजिए, एक चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच आप पेपरिका पाउडर लीजिए और दो चुटकी हल्दी, और एक बड़ा सा नींबू लीजिए और हरा धनिया, और आप पुदीना लीजिए एक कप तक। ये मैंने चटनी के लिए सारा मसाला अलग से रखा है। ये मैं प्याज की चटनी बना रही हूँ। आप चार से पांच बड़े प्याज लीजिए, उसमें पांच हरी मिर्चें लीजिए और एक बड़ा सा नींबू, और आधा कप दालिया लीजिए और एक कप आप हरा धनिया और पुदीने का लीजिए। मैंने जो हाफ के जी मटन लिया है उसे एक बाउल में ट्रांसफर किया है। सबसे पहले हम उसमें नमक डालेंगे, आप एक टेबलस्पून डाल सकते हैं एज पर टेस्ट। फिर नेक्स्ट हम ब्रेड जो हमने लिए थे चार से पांच स्लाइस, वो इस तरह से डालकर उसे हाथों से अच्छे से मिक्स करेंगे। अच्छे से हाथों से ही उसे मिक्स कीजिए। फिर मैंने प्याज ली है, इसका पूरा पूरा पानी निकाल कर लिया था, देखिए इस तरह से। ये फ्राइड अनियंस भी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, इन सबको भी अच्छे से हाथों से ही मिक्स कीजिए। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम हमारा देसी घी डालेंगे। इसमें कबाब में एक नमी रहती है, एक फ्लेकीनेस बोल सकते हैं इसे। और हम हमारे सारे जो मसाले हैं सब उसे भी डाल लीजिए। इन सबको मैं हाथों से मिलाना पसंद करती हूँ। अब आप चॉप किया हुआ हरा धनिया और सारा पुदीना भी इसमें डाल लीजिए, एक अच्छे से मिक्स हो जाने दीजिए। ब्रेड इसलिए डालना चाहिए क्योंकि ब्रेड इसकी सारी जो नमी है वो सोक कर लेता है, जो पूरा मॉइस्चर। और उसका और एक सीक्रेट ये है ब्रेड का कि ब्रेड से जो क्रिस्पीनेस भी आती है। लास्ट हम नींबू का जूस मिक्स करेंगे। पूरा नींबू का जूस डालिए और जो सीड्स है उसे बाहर निकाल लीजिए। और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इस तरह से अच्छे से उसे नीट कर लीजिए, जैसे हम घर में आटा गूंथते हैं उस तरह से। सारे मसाले उसमें अब्सॉर्ब हो जाएंगे। इस तरह से मतलब हमारा डो या फिर मसाला जो है कीमे के कबाब का वो रेडी है। देखो ऐसा ही हमें मतलब पूरा मिक्स करना है।
अब हम उसके एक प्लेट ले लेंगे उसके लिए और एक बाउल में वाटर, और अब हम खीमे के कबाब थोड़ा सा पानी लगाइए, फिर वो स्टिक नहीं होगा इस तरह से। इसी तरह आप बनाकर रेफ्रिजरेटर में भी स्टोर कर सकते हैं इसे। अब हमने सारी टिक्कियों को तैयार करके एक प्लेट में ऐसे रख देना है। अब हम साथ ही में चटनी ग्राइंड करने की तैयारी कर लेंगे। पहले मिक्सी में हमको सबसे पहले हमें पूरे सारे अनियंस डालने होंगे, साथ ही ग्रीन चिलीज। आप नींबू को इसी में डाल देंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरह से आप डालिए इसका सारा जूस। और जो हमने दाल वाला लिया था वो भी इसमें डाल दीजिए, पुदीना कोथमीर सब डालकर एक अच्छा सा प्यूरे बना लीजिए। उसमें थोड़ा सा वाटर डाल डालकर आप उसे अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। सॉल्ट आपको एज पर टेस्ट डालना है। अब हम हमारे कबाबों को डीप फ्राई करेंगे, इसलिए मैंने स्टोव पे एक कढ़ाई रखी है जिसमें हम 2 कप कुकिंग ऑयल डालेंगे। उसे मीडियम फ्लेम पर रख देंगे। अभी हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम कबाब को डालेंगे। मीडियम फ्लेम पर ही रखना है हमें। इसे 1 मिनट तक एक साइड पर रख लीजिए मीडियम फ्लेम पर। जब हम इसे टर्न करेंगे तो लो फ्लेम पर हमें 3 से 4 मिनट तक कबाबों को अच्छे से फ्राई होने के लिए रखना है, क्योंकि वो अंदर तक पक जाए। अब हम इसे टर्न कर लेंगे इस तरह से, ये हल्का हल्का ब्राउन हुआ है। अभी हम 3 से 4 मिनट तक इसे लो फ्लेम पर रख देंगे। लो फ्लेम पर रखने के बाद सारा अंदर से कबाब पक गया है। अभी इसे हाई फ्लेम पर रखकर हम डार्क ब्राउन होने के लिए रखेंगे। इस तरह से फ्राई करने के बाद वो अंदर से जूसी और ऊपर से क्रिस्पी लगने लगते हैं। देखिए, लुक एट द टेक्सचर। आप इन कबाबों को शैलो फ्राई भी कर सकते हो। ये हमारे तैयार हो गए कच्चे कीमे के कबाब। और फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।